नमस्कार, मैं हूं आसमा और आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अंबाला में आरसीएस उड़ान योजना के तहत सिविल एनक्लेव के शिलान्यास की तिथि 15 अक्टूबर तय होने पर बाजारों में लोगों और दुकानदारों ने ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते हुए जश्न मनाया और मिठाइयां बांटी। शुक्रवार को गृह मंत्री अनिल विज का अलग अलग बाजारों में स्वागत किया गया। प्रातः स्थानीय लोग, व्यापारी वर्ग और दुकानदार गृह मंत्री अनिल विज के पुराने टी पॉइंट पर जश्न मनाते हुए पहुंचे, जहां उनका हार्दिक धन्यवाद जताया गया। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि विकास का रास्ता आधारभूत ढांचा बढ़ाने से बनता है और हम आधारभूत ढांचे को बढ़ा रहे हैं ताकि विकास हो सके। उन्होंने बताया कि आरसीएस उड़ान योजना के तहत सिविल एनक्लेव निर्माण हेतु 15 अक्टूबर शिलान्यास की तारीख तय की गई है और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को निमंत्रण दिया था, जो उन्होंने स्वीकार किया है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि किसी शहर में एयरपोर्ट का निर्माण होना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। विकास होने से कारोबार और रोजगार बढ़ता है। हमें संभावना है कि अंबाला में रिंग रोड के साथ साथ बड़ी इंडस्ट्री लगेगी और कारोबारियों को लाभ मिलेगा। एयरपोर्ट बनने और अन्य परिवहन सुविधाएं बढ़ने से बड़े कारोबारी और अधिकारी बाहर से सुबह यहां आकर शाम को वापस लौट सकेंगे। अंबाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। नहीं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ पर अब हमें संभावना है कि जो हमने रिंग रोड बनाई है उसके साथ साथ इंडस्ट्री लगेगी, तो बड़े कारोबारी अधिकारी सुबह आकर शाम को यहाँ से वापस जा सकते और थोड़ी हमें तारीख को हम यहाँ से काम पहले छोटा अनक्लेव बनाएंगे, देखेंगे कि कितनी यहाँ से सवारियाँ आती हैं। पहले तो चेकआउट करके चेक इन करके यही जो एनक्लेव बनाएंगे वहाँ से बस में एयरपोर्ट स्टेशन के अंदर देखेंगे एयरपोर्ट से यहाँ पर इजाजत देने के लिए बहुत सारी हैं, लेकिन बाद में जब ये चल पड़ी तो फिर हमें एयरपोर्ट स्टेशन की दीवार में से भी कट मिलेगा ताकि जहाज वाले लेंगे एक्सीडेंट के चला जाएगा। रनवे से ये देश के रनवे रनवे ताकि वहाँ से होता है इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया।
काम किए, रिंग रोड बनवा के दिए, अम्बाला शहर रोड बनवा के दिए और शहर गलियों की सड़कें बनने जा रही हैं, सबके टेंडर हो गए हैं। हमने बहुत बड़ा शहीदी स्मारक बनकर तैयार हो रहा है 1857 की क्रांति कार्यों की याद में। हम शहीद म्यूजियम बना रहे हैं, हमारा बहुत बड़ा सुभाष पार्क बना है यहाँ पर, और एक हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।